हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट बनने वाले एक बहुत ही यम्मी एंड इजी स्नैक्स की रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है एंड बनकर उसका टेस्ट उतना ही लाजवाब आता है। तो चलिए वीडियो में देखिए ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, तो आज का जो स्नैक्स है हम बनाने वाले हैं अनियन से, यानी कि प्याज से बनाने वाले हैं। प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज लिए हुए थे, उन्हें पतली पतली स्लाइसेस में कर लिया है कट। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हरी मिर्च, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। देन मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच क्यूमिन सीड्स और उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है। देन मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर करके डाल दिया है जीरा पाउडर और फिर उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर टर्मरिक पाउडर का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्वादानुसार नमक का यूज़ कर लिया है। देन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है हरा धनिया और ये मैंने लिया हुआ है 1 कप चावल का आटा और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर इसका एक अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लेंगे ताकि इससे हम अच्छा सा एक स्नैक्स बना करके रेडी कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डाल करके मैंने पूरा 1 कप चावल का आटा यूज़ कर लिया है और अब मैं यूज़ करूँगी थोड़ा थोड़ा पानी ताकि हम एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना करके तैयार कर सकें। पेस्ट बोल लीजिए या फिर आप डो बोल सकते हैं ताकि स्नैक्स की कंसिस्टेंसी के अनुसार हमें अपना डो तैयार करना है। तो जिस कप से मैंने लिया हुआ था यहाँ पर 1 कप चावल का आटा, उसी कप से मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी इसमें यूज़ किया हुआ है और 1/2 कप पानी जो इतनी 3 से 4 प्याज के स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गया है और बहुत गीला भी नहीं है एंड बहुत ड्राई भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लेंगे डो का कुछ कुछ पोर्शन और उसके बाद हम इस तरीके से इसकी एक टिक्की तैयार करेंगे और इस तरीके से सेट कर देंगे ताकि प्याज जो है वो बाहर निकला ना लगे और हमारी एक गोल टिक्की बन करके रेडी हो जाए। तो ये देखिए कितनी ईजिली जो है हमारी टिक्की तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियाँ यहाँ पर रेडी कर लिया है और अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। तो 1 by 1 करके मैं यहाँ पर डालूँगी, जितना भी आप कंफर्टेबल हो यहाँ पर ऑयल में डालने के लिए। एक बार में आप जितना निकाल सकते हैं उतना ही यहाँ पर ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले 4 डाले, उसके बाद धीरे धीरे मैंने 1-2 और डाल दिए थे और इन्हें अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं सुनहरा होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर आप फ्लेम फ्राई करिएगा ताकि जो हमारा अंदर तक स्नैक्स जो है वो सिक जाए। अंदर तक सिकेगा तो बहुत ही क्रिस्पी बन करके ये रेडी होने वाले हैं और बहुत ही इजी और झटपट आप बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। अगर घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाक से इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए दोस्तों, कितना यमी लग रहा है देखने में, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, हमारा स्नैक्स जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो 10 मिनट में हमारा जो स्नैक्स था वो बन करके रेडी हो गया था। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। We'll be right back.